एनाटॉमी चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी 11th। तो आज का जो हमारा पॉइंट जो भी डिस्कशन में रखेंगे, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट एनाटॉमी एनाटॉमी और दूसरा टर्म है हिस्टोलॉजी। ये दोनों लगभग सिमिलर नेम्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज क्या है और टिश्यू के टाइप क्या है। ठीक है, टिश्यू के टाइप्स, और उसमें हम पर्टिकुलर देखेंगे कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू की कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, यानी कि ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो सबसे पहला आता है कि प्लांट एनाटॉमी में प्लांट वर्ड भी बाद में लगाऊंगी, है ना। पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, एनाटॉमी। आपको दिख रहा है दो टर्म बन रहे हैं, एक तो एना और एक टैनिन। एक्चुअल में ये दो टर्म है जो ग्रीक ओरिजिनेटेड है, और एना का मतलब ऑन सरफेस, है ना, ऑन सरफेस, और टैनिन का मतलब है कट करना। ओके, तो यदि हमें किसी भी प्लांट ऑर्गन को, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो फ्लावर एक्सेट्रा, जो कि हम जनरली यूज करते हैं, तो रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी स्टडी करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल इन तीनों का ही होता है, सभी की स्टडी करनी होती है। तो किसी भी ऑर्गन को जो है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो उसे हमें सरफेस से कट करना पड़ता है, उसके बाद उसकी स्लाइड बनती है, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी द्वारा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो एनाटॉमी टर्म इससे मिलकर बना है। अब आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक्चुअल में एनाटॉमी का ही एक, क्या कह सकती हूँ, ब्रांच है, है ना भाई। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर टिश्यू के ऑर्गेनाइज, टिश्यू के ओरिजन, फंक्शन और स्ट्रक्चर की स्टडी करना, मतलब कि ब्रांच ऑफ साइंस और लाइफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ ओरिजन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, एंड द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म सच एज इन प्लांट, हायर प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, एम्ब्रियो, सीड, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोनों में जरा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लांट, अगर हम ये एनाटॉमी करें स्टडी प्लांट की करें तो प्लांट एनाटॉमी हो जाएगी, अगर हम एनिमल की करेंगे तो एनिमल एनाटॉमी हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जब प्लांट स्टडी की शुरुआत जो है वो नॉर्मन इग्लूना की थी, तो इसलिए फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, क्या फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहते हैं, एंड्रयू। लेकिन इंडियन बेस पर, है ना, इंडियन फादर कौन है, के ए चौधरी, कौन कहलाते हैं, के ए चौधरी। ओके, तो ये दोनों हम जनरल बात है, तो हमें क्या करना है, ब्रांच किसकी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो एनाटॉमी। टिश्यूज के बारे में, तो हिस्टोलॉजी। शुरुआत किसने की टिश्यू की स्टडी की, नॉर्मन इग्लू ने की, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी क्या कहलाते हैं, एंड्रयू कहलाते हैं। इंडियन लेवल पर किसने की, के ए चौधरी ने, तो फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी कौन कहलाते हैं, के ए चौधरी। अब आते हैं हम कि टिश्यूज क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या तुम्हें चाहे, है ना, या मैं किसी इंडिविजुअल वर्ड बोल दूं या नहीं मैं कोई लिविंग बॉडी बोल दूं, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाती है, आपको पता है, जैसे कि क्या कहलाती है, सेल, और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू मिलकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। जैसे प्लांट में बोलेंगे तो टिश्यू सिस्टम, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन, है ना, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस दैट मींस ये ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या कहलाती है, हमारी सेल। तो अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव
की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें कॉमन ऑरिजन बट यूजुअली हैव कॉमन फंक्शन। ओके, अब आता है टिश्यू को क्लासिफाई करना। प्लांट टिश्यूज को उसकी डिविजनेबल कैपेसिटी, क्या बोला मैंने, डिविजन कैपेबिलिटी के बेस पर उसे दो ग्रुप में रखा गया है। पहला मेरिस्टमैटिक टिश्यू, पहला क्या है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। वे टिश्यूज जो कि कंटिन्यूअस डिविजन कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि हम प्लांट में बोलते हैं ना, मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहाँ होते हैं, रूट के एपेक्स पर, शूट के एपेक्स पर, तो एपिकल पोजीशन पर वे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट की विशेष पद क्या है, जिसमें इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, और वे कंटिन्यूअस ग्रो करने वाले टिश्यू जो डिविजन कैपेसिटी रखते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाए जाते हैं। जबकि हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी एक लिमिट टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है, बस एज पर रिक्वायरमेंट नए सेल बनते हैं, लेकिन प्लांट में कंटिन्यूअस डिविजन चलता है। तो कुछ टिश्यू तो ऐसे जो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन कुछ कौन जो डिविजन हो गए हैं वो परमानेंट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनमें आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली डिविजन कैपेसिटी स्टॉप हो जाती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो सबसे पहली बात क्या बोला मैंने कि जो कंटिन्यूअस डिविजन करते रहे, है ना, कंटिन्यूअस डिविजन करते रहे, उसे हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू को उसको कई बेस पर ग्रुपिंग किया गया है, तो मैं अलग अलग बेस पर इसके डिविजन जो है मेरिस्टमैटिक टिश्यू के टाइप्स की बात करती हूँ। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ उपस्थित है, कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेस पर ये तीन टाइप के, पहला एक कौन, एपिकल मेरिस्टम, नाम से दिख रहा है आपको, एपिकल वर्ड किससे बना, एपेक्स पर, एपेक्स मतलब जैसे मैं कहूँ प्लांट का ये स्ट्रक्चर है, ये रूट है, ये शूट है, तो ये शूट का एपेक्स और ये रूट का एपेक्स, तो इसका मतलब इसमें दोनों कौन आएंगे, रूट एपेक्स, है ना, रूट एपेक्स, और दूसरा कौन आएगा, शूट एपेक्स। तो जब एपिकल पोजीशन पर उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम। ओके, अब दूसरा आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का माने क्या होता है, लिख रहा है आपको, इन बिटवीन। अगर जैसे ये मेरिस्टमैटिक रीजन यहां था, अब ये क्या होता है, नीचे परमानेंट होते रहते हैं और ऊपर जो टिश्यू एपेक्स पर वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टिश्यू जो है मेरिस्टमैटिक ये परमानेंट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम तो परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच बीच में, इनके अब क्या होता है, बीच बीच में कुछ टिश्यू जो होते हैं अभी भी डिविजन कैपेसिटी रखते हैं। डिटेल में बाद में बात करूंगी, अभी मैं क्लासिफाई कर रही हूँ, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम दो जो है परमानेंट टिश्यू के इन बिटवीन कंडीशन पर मिलता है। सी है हमारा कौन सा, जो है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम फिर वही पोजीशन के बेस पर, क्यों, क्योंकि ये प्लांट ऑर्गन के लेटरल पोजीशन पर पाए जाते हैं। जब टिश्यूज परमानेंट हो जाएंगे, टिश्यू डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस बन जाएगा, तो वीटीएस में कौन से टिश्यू, कैम्बियम, वो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे लेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम। इसका फेमस एग्जांपल कौन, कैम्बियम। आगे हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है, तो इसके अभी देखते हैं इसके बारे में। सेकेंड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब देखिएगा, ये मैं ई एम लिख,
मेरिस्टम, क्लियर। दूसरा, अब यहां से मैं एक नंबर लगाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो ही दे रखे हैं, ठीक है, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बट एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाए तब भी ध्यान रखना है। पहला कौन? प्राइमरी मेरिस्टम। कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टम। और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी मेरिस्टम। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टम, ओके। अब ये क्या क्या है इसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा टाइप है हमारा कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं उसके बेस पर। ये फिर तीन टाइप के, पहला हमारा आता है प्रोटोडर्म, क्या कहलाता है? प्रोटोडर्म, या इसी को कहते हैं हम डर्मेटोजन, प्रोटोडर्म या डर्मेटोजन। जन मतलब जनरेट करने वाला, क्या जनरेट कर रहा है? डर्म, डर्म मतलब एपिडर्म, ठीक है। तो जो ईपीएस बनाए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाए जो लेयर, वो क्या कहलाएगी? डर्मेटोजन या प्रोटोडर्म, ओके। दूसरा है हमारा पेरिब्लेम, पेरिब्लेम, और इस पेरिब्लेम को ही हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टम, क्या कहलाता है? ग्राउंड मेरिस्टम। इसका मतलब दिख रहा है आपको कि वो जीटीएस बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, तो वो जीटीएस बनाए उसे हम कहते हैं पेरिब्लेम, ठीक है। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी? प्लीरोम, प्लीरोम सेंटर मोस्ट कहलाती है या इनर मोस्ट लेयर कहलाती है, और ये क्या बनाती है? बीटीएस। अब बीटीएस आपको पता है कैम्बियम से बनता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रो कैम्बियम भी कहते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन सिनोनिम है, ठीक है, पेरिब्लेम और ग्राउंड मेरिस्टम सिनोनिम है, ऐसे प्लीरोम और प्रो कैम्बियम सिनोनिम है। तो ये फंक्शन के बेस पर टाइप, ओके। अगला कौन सा आता है हमारा फंक्शन के बाद? अब देखो ये तो सारे एनसीईआरटी के, ये बात विशेष ध्यान रखना है, ये मैं हमारा एनसीईआरटी में दे रखा, ये भी हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये भी हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटकर भी है ना, बियॉन्ड टू एनसीईआरटी भी करना होता है। तो अगला है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन, रेट ऑफ डिवीजन मतलब कि फास्ट रेट डिवीजन है या स्लो रेट डिवीजन। तो ये ट्रिक से भी आ जाता है, एक होता है समिट, ठीक है, यानी कि जिसमें स्लो रेट ऑफ डिवीजन हो, तो वो जैसे कि एपिकल मेरिस्टम है ना, तो धीरे धीरे सेल डिवीजन चलता है, लेकिन एम्ब्रियोनल मेरिस्टम है तो क्या करेगा? एम्ब्रियोनल सेल बहुत फास्ट रेट पर डिवाइड करती है ना, तो समिट मतलब कि स्लो रेट ऑफ डिवीजन, स्लो रेट ऑफ डिवीजन, ओके। और क्या लिख देते हैं? और दूसरा फ्लैंग, फ्लैंग का मतलब क्या हो गया? फास्ट रेट ऑफ डिवीजन, तो बहुत तेज गति से अगर डिवाइड हो तो इसका मतलब वो फ्लैंक है, और जब अगर स्लो रेट डिवाइड हो तो वो मतलब क्या होता है? जो है समिट है, ओके। अगला देखो आपका, अगला कौन सा टाइप है? नेक्स्ट एक और एक्स्ट्रा हमें करना है, ध्यान रखना है कुछ चीजें हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड चलना होता है, तो ये हमें चलना होगा, ओके। अगला देखते हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, ओके। अब प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर तीन टाइप, पहला कौन सा टाइप है आपका? पहला है रिब, रिब मेरिस्टम, ठीक है। अब रिब मेरिस्टम का ही दूसरा एक और नाम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो थोड़ा ध्यान रखना, फाइन मेरिस्टम, यानी दोनों सेम टाइम सेम सिनोनिम है। अब मैं एक बार बताऊंगी इसका नाम किस लिए पड़ा है, बाद में बात करेंगे, एक बार मैं लिख रही हूँ एंटी क्लाइमेक्स, ओके। दूसरा है प्लेट मेरिस्टम, क्या क्या बोला मैंने? प्लेट मेरिस्टम, ओके। और थर्ड वन इज मास मेरिस्टम, मास मेरिस्टम, ओके। ये तीन टाइप के हैं किस बेस पर? प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं, अभी मैंने केवल ग्रुपिंग किया है, क्लासिफाई किया है, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करते हैं। अब देखो इन तीनों को तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें इसको लिए एक बार के लिए इसको कर देना है, मतलब आगे एक बात भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी है,
तो इसको तो शॉर्ट में निकलना है हमारे को। देखो रेट ऑफ डिवीजन मतलब डिवीजन की कैपेसिटी, मतलब कितना फास्ट या स्लो, इसमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, सबमिट और फ्लैंक हो गया है। ठीक है, अब ये देखो प्लेन ऑफ डिवीजन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। प्लांट की जब हम स्टडी करते हैं तो हम चार वर्ड यूज करते हैं जनरली, चार या मैं सिर्फ पांच बोल सकती हूँ। जैसे मैं बोलू ट्रांसवर्स सेक्शन TS है ना, जैसे मैं बोलू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर उसी को वर्टिकल सेक्शन भी कई बार बोल देते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे ये कोई स्पैन है, अगर मैं इस एंगल से काटू और स्लाइड बनाती हूँ और फिर माइक्रोस्कोप में देखती हूँ तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन की स्लाइड कहलाती है। अगर मैं ऐसे स्लाइड बनाऊ इस एंगल पर तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है या वर्टिकल सेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी कह सकते हैं और ऐसे लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल सेक्शन भी कहते हैं। लेकिन दो टर्म और है जो कि यूज होते हैं, किसको, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल। ठीक है, क्या बोला मैंने, वर्ड ध्यान रखना है एंटीक्लाइनल, ओके, और इसी के पैरेलल में क्या याद रखना है पेरिक्लाइनल। अब आप देखिएगा कि आप देखो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटाती हूँ एक बार के लिए, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई ऑर्गन है और ये इसका बेसिक, देखो ये देखिएगा ये ऑर्गन है तो इसका ये सरफेस है। अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ कट करती हूँ यानी पेरिफेरी के साथ साथ करती हूँ तो वो पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ मतलब क्या हुआ, जैसे ये ऑर्गन का सरफेस वाला पार्ट बनाऊंगी क्यों, ये कोई ऑर्गन का सरफेस है और यहाँ डिवीजन इस जो है प्लेन पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पेरिफेरी के साथ साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे ये थी ऑर्गन और यहाँ सेल इतनी पहले से प्रेजेंट है, ओके, अब डिवीजन क्या हुआ, यू हुआ। तो देखो ये आउटर लेयर बन गई और ये इनर लेयर बन गई, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से लेयर फॉर्म होता है। अब लेयर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ा तो वहां सेल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो ये क्या करेगा, पेरिक्लाइनल के रेफरेंस में क्या करेगा, इसे एंटीक्लाइनल, यानी ये पेरिक्लाइनल था ये एंटीक्लाइनल, तो पेरिक्लाइनल के राइट एंगल पर, तो ये जो डिवीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरिक्लाइनल किसे कहते हैं और एंटीक्लाइनल किसे कहते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो जो रिंग मेरिस्टम होती है उसमें केवल एक ही वन प्लेन डिवीजन होता है, हालांकि आइदर एंटी और पेरी बोलते हैं पर मोस्टली क्या याद रखना है, केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन, जैसे ETS है ना, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। अब आ जाओ प्लेन मेरिस्टम जिसमें टू प्लेन में डिवाइड होते हैं, यानी एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन, तो जब दोनों प्लेन पर हो तो वो प्लेट मेरिस्टम फॉर्म करता है। और ऐसे मास मेरिस्टम जिसका फेमस एग्जांपल एम्ब्रियोनल टिश्यू एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, तो ये क्या होता है, ऑल पॉसिबल प्लेन में डिवाइड हो, ऐसा नहीं कि पेरी या एंटी, जहां डिवीजन की कैपेसिटी प्रोबेबिलिटी बनती है वहां पर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वे मास मेरिस्टम कहलाते हैं। ओके, ये दोनों हमारा फंडा हमारा क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट इनके बारे में डिटेल करेंगे, तो वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं। पहले इस चार्ट से आपको याद रखनी है कुछ चीजें, क्योंकि ये बेसिक फंडा हमें दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। देखो अब क्या बोल रहे हैं सारे हम, एपिकल मेरिस्टम है ना, ये क्या करता है, अब देखो एपिकल मेरिस्टम है ना, अपन ने लोकेशन के बेस पर बोला है। जैसे मैं अगर यार छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, जैसे हमारा क्या था, ये प्लांट पार्ट है ना, ये हमारा स्टेम है और ये हमारी रूट है, ये जैसे रूट निकल रहे हैं और इससे ब्रांच निकल रही है ना, तो अब चाहे ये ब्रांच का एपेक्स पॉइंट है और चाहे जो स्टेम की मेन एक्सिस का जो है पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट है, पर पोजिशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है इसकी, एपेक्स पर है, सीड्स पर है। तो यहाँ पे जो टिश्यू है ना हमेशा लगातार डिवीजन कैपेसिटी रखते हैं, और लगातार डिवीजन कैपेसिटी रखते हैं इसका मतलब वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, प्लांट की लंबाई को बढ़ा रहे हैं और लगातार नए टिश्यू बना रहे हैं, न्यूली ओरिजिनेटेड बना रहे हैं, मतलब वो टिश्यू पहली बार ही बने हैं, इसलिए उसको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो इसका मतलब लोकेशन के बेस पर तो क्या था, एपिकल मेरिस्टम, और ओरिजिन के बेस पर क्या हुआ, ये प्राइमरी मेरिस्टम। इसका मतलब रूट एपेक्स और
यहाँ ये क्या हो रहा है, ये देखो एपिकल मेरिस्टम है, है ना, ये लगातार डिवाइड हो रहा है, ये लगातार डिवाइड हो रही है। अब क्या हो रहा है, मैं नेक्स्ट डिटेल हम बाद में बात करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये तो लगातार लंबाई बढ़ा रहा है और नीचे का टिश्यू ना वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं। देखो एक तो वर्ड होता है हमारा डिवीजन करना, है ना, इसका मतलब तो एक सेल थी मैटरनल टिश्यू, मैटरनल सेल, और ये डिवाइड हुई डॉटर सेल बन गई। अब ये फिर डिवाइड होगी और ये डॉटर सेल बनाएगी, ये डिवाइड होगी डॉटर सेल बनेगी, तो ये तो लगातार डिवीजन चल रहा है, तो यहां तो ये डिवीजन चल रहा है, उसके बाद क्या करेगा, ये इलोंगेट होगा, तो ये क्या होगा, जोन ऑफ डिवीजन यानी मेरिस्टमेटिक जोन, ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, इलोंगेट होगी, सरफेस बढ़ेगा, ठीक है। अब ये सरफेस बढ़ेगा, अभी तक तो सरफेस बढ़ा है, अब क्या होगा कि उसको क्या फंक्शन करना है, उसको एपिडर्मिस बनाना है, यानी जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर बनानी, जैसे मैं अगर रूट की बनाऊंगी तो क्या होगा, रूट हेयर बनेंगे, है ना, ये देखो रूट हेयर बनेंगे, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, मान लिया तो वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये सबसे बाहर की लेयर बना देगा, ये सबसे बाहर की लेयर बना देगा, स्टेम की बनानी तो स्टेम की एपिडर्मिस बनेगी, तो वो जो लेयर बनेगी वो प्रोटोडर्म कहलाएगी, ठीक है, प्रोटोडर्म कहलाएगी। लेकिन क्या, मैं बात इसकी कर रही थी, ध्यान रखना, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसका मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ टिश्यू बीच बीच में अभी तक भी डिवीजन कैपेसिटी बनाए हुए हैं, हालांकि बाद में वो परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी शुरू शुरू में क्या था, अभी तक वो बीच बीच में क्या है, मेरिस्टमेटिक ही पड़े रह गए हैं, लेफ्ट बिहाइंड द मेरिस्टमेटिक, ओके, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्या कहलाते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम कहलाते हैं। तो जनरली तो ये बाद में परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम लॉन्ग लाइव होते हैं, बाकी में तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन ग्रासेस, बैम्बूज, है ना, जो कुछ हर्बेसियस प्लांट जैसे मिंट वगैरह, है ना, तो उनमें वो क्या होते हैं, परमानेंट ही अभी तक मेरिस्टमेटिक पड़े हैं। अब क्यों पड़े हैं, क्योंकि ग्रासेस है, देखो अब ग्रासेस में क्या होगी, हम जो है गार्डनर क्या करेगा, कटिंग करता रहता है, कटिंग करेगा तो उसका पार्ट कट जाएगा, तो एपेक्स तो गया उसका, है ना, जैसे ये ग्रासेस का स्टेम है, ये एपेक्स इससे कटिंग कर, तो ये तो गया, अब इसकी लंबाई कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, यहाँ जो इंटरकैलरी मेरिस्टम बीच बीच में पड़े हैं, इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इन ग्रासेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, तो ये जब कटिंग कर रहे हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, अब लंबाई बढ़ाएंगे मतलब पहली बार नए टिश्यू बना रहे, इसका मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टम भी ओरिजिन के बेस पर क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम, क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम ओरिजिन के बेस पर कैसे होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, क्लियर फंडा। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम जैसे देखिएगा यहाँ पर हम इसी स्ट्रक्चर को आगे फॉलो कर रहे हैं, देखो ये तो हो गया ईटीएस, क्योंकि ये सबसे बाहर का आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है जो एपिडर्मिस उसके डेरिवेटिव्स बनाता है, यानी कि जैसे रूट है तो रूट है यार, स्टेम है तो स्टेम है, एटसेट्रा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है, ओके, ये पेरिसाइकल है, उसके बाद ये देखो ये क्या है, वैस्कुलर, जैसे मैं स्टेम की बात कर रही हूं, इसलिए वैस्कुलर बंडल ऐसे बना रही हूं, ठीक है। तो ये देखो जाइलम, 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 ओके, ये फ्लोएम, 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 फ्लोएम। अब देखो आपको बीच में दिख रहा है कुछ ऐसा, ऐसा दिख रहा है, हां, ये क्या है, कैंबियम। अब मैं अगर इस स्टेम को ये मानूं, ये मैं इसका एग्जांपल देती हूं, ये स्टेम है अगर, और इसका देखो सरफेस देखती हूं, तो ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो, ये वाला लेयर है ना, तो ये देखो ये लेटरल पोजीशन पर है। तो अब आप इस लेटरल को थोड़ा ध्यान रखो, इस स्टेम को देखो आप, तो इस लेटरल अगर होगा तो पूरे में लेटरल होगा ना, तो इसका शेप कैसे बनेगा, जैसे अपना गैस सिलेंडर नहीं था तो सिलेंड्रिकल
शेप होता है। तो ये सिलेंड्रिकल टिश्यू है और लेटरल पोजीशन पर पाए जाते हैं, है ना, लेटरल पोजीशन पर। ओके, तो इसलिए ये लेटरल मेरिस्टम कहलाते हैं। देखो ये देखिए, और ये एक्टिविटी भी लेटरल ही करेंगे। कैसे करेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये अब देखो, पहली बात तो लोकेशन के बेस पर तो क्या है, लेटरल मेरिस्टम, कौन, कैम्बियम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे बोला था, परमानेंट टिश्यू एक डेफिनेशन बोली थी कि टिश्यूज विच है विच स्टॉप द डिवीजन कैपेसिटी आइदर परमानेंट और टेम्पररी। तो बाकी पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये तो क्या परमानेंटली स्टॉप डिवीजन कैपेसिटी कर देते हैं। लेकिन जो कैम्बियम है ना, वो एक बार तो डिवीजन से डिफरेंशिएट हो गए, है ना, स्पेशल फंक्शन के बेस पर उन्होंने स्टॉप कर दी कैपेसिटी। लेकिन ये फर्दर डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएट। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिवीजन कैपेसिटी वापस स्टार्ट कर देते हैं। देखो डिवीजन मतलब लगातार डिवाइड होना, स्टॉप द डिवीजन कैपेसिटी फॉर द स्पेशल फंक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, विभेदन। लेकिन कुछ टिश्यू जैसे कि कैम्बियम, ये पुनः विभाजन की क्षमता गेन करते हैं, है ना, रीगेन करते हैं डिवीजन कैपेसिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन, हिंदी में कहते हैं निर्विभेदीकरण। ओके, और इनका एग्जांपल कौन सा है, कैम्बियम, हिंदी में बोले तो एधा कहते हैं, क्लियर। अब देखो ये कैम्बियम क्या बनाएगी, जाइलम बनाएगी और फ्लोएम बनाएगी। अब एक तो जाइलम और फ्लोएम किससे बन गए थे, इस प्रोकैम्बियम से बन चुके थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था उसके साथ साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो ईटीएच भी बन गया था, यहाँ जीटीएच बन गया, और यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम बन गए थे। लेकिन ये तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्राइमरी टिश्यू बन रहे हैं, लेकिन कुछ कौन से, जो लंबाई बढ़ गई, प्राइमरी ग्रोथ हो गई, लेकिन लेटर ऑन वो डायमीटर बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, है ना, विड्थ बढ़ाएंगे, कौन, किसमें, डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। तो वो कब एक्टिव होते हैं, जब ये कैम्बियम जो डिफरेंशिएट होकर जाइलम बनाएगी, तो वो दोबारा बना रही है, यानी सेकेंडरी ओरिजिनेटेड टिश्यू है, इसलिए इसको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो सेकेंडरी ओरिजिनेटेड टिश्यू है, तो इसलिए ये लेटरल मेरिस्टम कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं, लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल भी क्या है, कैम्बियम, और सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल भी क्या होगा, कैम्बियम। अब कैम्बियम है ना, दो वार बनती है, दो जगह पर बनती है, यानी इसके लोकेशन भी दो है। कैसे, देखो अभी इसकी इसका इसी का हिसाब करते हैं। देखो एक तो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वीटीएस के साथ बन रही है, वैस्कुलर बंडल के साथ बन रही है, यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के साथ बन रही है, अंदर बन रही है ना, इन बिटवीन द, तो इसलिए ये वैस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। क्या कहलाती है, वैसिकुलर, वैसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। अब वैसिकुलर कैम्बियम जो है वो क्या बनाती है, अभी ऊपर बोला था मैंने आपको, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, लेकिन जो जब ये, अब मैं इसका डिटेल तो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के साथ आएगा, ठीक है, जब ये सेकेंडरी जाइलम बहुत अधिक अमाउंट में बन जाता है, तो ये बाहर प्रेशर करेगा, तो इसका मतलब कुछ एक और लेयर चाहिए जो वापस नया टिश्यू बना सकती है, यानी सेकेंडरी रिलेटेड टिश्यू फर्दर बनाने की रिक्वायरमेंट बन गई। तो यहां पर भी कैम्बियम बनती है, कैसे बनती है, इन सब पर डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम द्वारा भी दो टाइप के टिश्यू बनते हैं, क्या बनते हैं, बाहर कॉर्क जिसे हम फैलम कहते हैं, है ना, और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे हम क्या कहते हैं, फैलोडर्म। ओके, तो अब देखो आप जरा देखना, पहली तो सेकेंडरी मेरिस्टम कौन हुआ, जो है लेटरल मेरिस्टम हुआ। अब इसका कॉमन वर्ड तो क्या बोलूंगा, कैम्बियम, ठीक है, और कैम्बियम
कैम्बियम कितनी, एक तो वेसिकुलर कैम्बियम है ना, वेसिकुलर कैम्बियम ओके, और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को ही हम क्या कहते हैं, फेलोजन ओके। और इसे टिश्यू कौन कौन से बनते हैं वो जब परमानेंट टिश्यू बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने अभी लिख दिया है तो आपको ध्यान है ठीक है। तो ये थे मैस्टोमेटिक टिश्यू। अब देखो एक बार छोटा सा और इसी मैं इसी चार्ट में सारा कुछ समझाना चाहती हूँ, तो आप पहले एक सेकंड के लिए रिवाइज करती हूँ। एपिकल मेरिस्टम कैसे होता है, प्राइमरी मेरिस्टम। इंटरकलियर मेरिस्टम कैसे होता है, प्राइमरी मेरिस्टम। क्यों, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म टिश्यू बनाते हैं, यानी प्राइमरी ओरिजिनेटेड टिश्यू बनाते हैं, प्राइमरी ओरिजिनेटेड टिश्यू बनाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं ओके। लेटर मेरिस्टम कौन है, कैम्बियम, ये सेकेंडरी ओरिजिनेटेड टिश्यू बनाती है ठीक है, यानी कि ये सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाएगा। यानी इसका एग्जांपल में कैम्बियम और इसका भी एग्जांपल कैम्बियम। कैम्बियम कितना टाइप का, वेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फेलोजन ओके। अब तीसरा बचा प्रो मेरिस्टम, इसके बारे में भी आपको बताना है। प्रो मेरिस्टम देखो, जब हम ये जो सीड है ना, ये देखो सीड कोट है और ये हमारा एम्ब्रियो है, तो यहां जो टिश्यू है ना जो कि मेरिस्टमेटिक नेचर रखते हैं, क्योंकि जब सीड क्या करेगा, ऑक्सीजन और वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, टर्नर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सरफेस एरिया, इसका सरफेस बढ़ेगा तो वहां फिर क्या हो जाएगा, वापिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ के टिश्यू जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल फॉर्म करते हैं, यानी जर्मिनेशन के समय, तो ये जब एम्ब्रियोनल कंडीशन होते हैं ना तो ये प्रो मेरिस्टम कहलाते हैं। और इसीलिए एम्ब्रियो में मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि बाद में प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलप किया, अब ये क्या हो गया, ये मेरिस्टमेटिक फंक्शन कहां पहुंच गई, ये यहां पर, तो ये रूट एपेक्स हो गया और ये शूट एपेक्स हो गया, जो कि क्या कहलाया, प्राइमरी मेरिस्टम। तो थोड़ा डाउटफुल है तो एनसीईआरटी में डाल नहीं रखा है ओके, क्योंकि ये भी प्राइमरी ओरिजिनेटेड टिश्यू बना रहा है और ये भी प्राइमरी ओरिजिनेटेड बना रहे हैं, तो इसे प्रो मेरिस्टम तभी वर्ड यूज करना है जब हमारे लिए स्पेशल क्वेश्चन बना हुआ हो ओके। तो ये था हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यू के टाइप। अब एक और इसके साथ हम सेट करते हैं ताकि हमारा एग्जाम इस डायग्राम के साथ ही हमारे एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो मैंने अभी बोला क्या, फंक्शन के बेस पर। अब देखो आपको दिख रहा है ये एपिडर्मिस और इसके स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोलूं कि लीफ है तो लीफ में क्या होंगे, स्ट्रोमेटा होंगे, जो है एपिडर्मिस के साथ स्ट्रोमेटा होंगे, बुलिफॉर्म सेल होगी, तो एपिडर्मिस और उसके डेरिवेटिव्स, रूट है तो एपिडर्मिस और उससे रूट हेयर, स्टेम है तो स्टेम और स्टेम हेयर है ना, ट्राइकोम जिसे कहते हैं, तो वो सब क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो जब ये शूट एपेक्स जो है, देखो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये देखो ये यहाँ से और इसी को हाइलाइट कर रही हूँ, ये देखिए ये एपिकल मेरिस्टम था, ये डिफरेंशिएट हुआ और इसमें तीन लेयर बनाए, क्या हुआ, इसे तीन लेयर बनाए, तो ये तीनों लेयर अलग अलग फंक्शन कर रही है। सबसे बाहर की लेयर ये क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन या प्रोटोडर्म, ये क्या बनाएगी, ईटीएस। इसके अंदर की लेयर ये क्या कहलाएगी, पेरिक्लेम, ठीक है, पेरिक्लेम या ग्राउंड मेरिस्टम, ये क्या बनाएगी, जीटीएस। और सबसे अंदर की लेयर ये क्या कहलाएगी, प्रीरोम या प्रोकैम्बियम, तो ये क्या बनाएगी, बीटीएस। तो एपिकल मेरिस्टम ही फंक्शन और लोकेशन के बेस पर तीन मेरिस्टमेटिक लेयर, जिसे कि हम हिस्टोजेनिक लेयर कहते हैं, तीन मेरिस्टमेटिक लेयर जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोजेनिक लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है। और ये हिस्टोजेनिक लेयर प्रोटोडर्म, पेरिग्लेम और प्लीरोम कहलाती है। प्रोटोडर्म को ही डर्मेटोजन, पेरिग्लेम को ग्राउंड मेरिस्टम और प्लीरोम को प्रोकैम्बियम कहते हैं, और ये अलग अलग लेयर को फॉर्म करती है। किसको, जैसे ये ईटीएस बन गया, ये जीटीएस बन गया और ये वीटीएस बन गया, ठीक है, और डिटेल हम टिश्यू सिस्टम में करेंगे। तो ये मैंने किया था मेरिस्टमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में आपको करना है, बहुत जरूरी है, तो मैं कुछ डायग्राम एनसीईआरटी की बताती हूँ, आप उसको जरूर ध्यान से देखेंगे ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा ये मैं एनसीईआरटी का चैप्टर निकाल रही हूँ, कुछ बातें अभी तक बाकी है, मैं इस डायग्राम को कह रही हूँ आप जरूर देखें ढंग से,
डायग्राम को समझा रही हूँ, तो आप देखेंगे कि कैसे ये एस्ट्रोजेनिक लेयर बनी हुई है। आपने देखा यहाँ पे ये कैरेक्टोजन है ना, ये ईटीएस बना रही है क्योंकि ये डर्मेटोजन है, अंदर ये वीटीएस बनाएगी क्योंकि ये प्लियोम है, और बीच में ये जीटीएस बनाएगी। तो ये एपिकल मेरिस्टम में डिफरेंशिएट हो रही है। अब रूट है तो रूट में एक फोर्थ लेयर एक्स्ट्रा होती है जिसे हम कैरेक्टोजन कहते हैं, जो कि रूट कैप को फॉर्म करती है। जबकि जब सूट एपेक्स देखेंगे तो सूट एपेक्स में सिर्फ तीन लेयर होती है, ठीक है, वही वापस प्रोटोडर्म, पेरिनियम और प्लियोम। ओके, अब आता है एक छोटा सा एक और डायग्राम आपको समझना है। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे, सभी लेबलिंग को याद रखेंगे, क्योंकि नीट में जो पेपर आता है वो सारा एनसीईआरटी से आता है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको समझा के बताती हूँ आगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा शूट एपेक्स पार्ट था, ये सरफेस भी बता रही हूँ, और ये रूट एपेक्स हो गया ना। मैं शॉर्ट में बना रही हूँ डायग्राम को, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान रखना, चाहे ये वाला पोर्शन बोलेंगे ना तो वो भी ब्रांच, आपको पता है कि मेन एक्सिस और ब्रांच सभी मिलाकर क्या कहलाते हैं, शूट सिस्टम कहलाते हैं, है ना। और ये नीचे का क्या कहलाता है, बेसल पार्ट, रूट सिस्टम कहलाता है। तो चाहे यहाँ की पोजीशन हो चाहे यहाँ की पोजीशन हो, वो शूट एपेक्स ही कहलाती है। अब इस शूट एपेक्स को यदि हम हाईलाइट करें, है ना, तो देखो कैसा होता है, ये देखिएगा, ये शूट एपेक्स, ठीक है। शूट एपेक्स में ये देखो एपिकल टिश्यू है, ये एपिकल टिश्यू नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये देखिएगा कैसे बनाएंगे, ये इसको ध्यान से देखना, ये लीफ प्राइमोर्डिया आएंगे, और ये लीफ प्राइमोर्डिया जो है लेफ्ट बिहाइंड कुछ मेस्टेमेटिक टिश्यू छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड जब वेजिटेटिव फेज चल रही होती है तब तो बनाती है ब्रांच, क्या बनाती है, ब्रांच। लेकिन अगर फ्लावरिंग सीजन हो गया तो ये क्या बनाती है, फ्लावर फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये देखिएगा यहां से क्या निकली, देखो एक्सिलरी बड, अभी मैं वेजिटेटिव फेज की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा एनाटॉमी का डायग्राम ये देखा, ये देखिएगा ये ब्रांच फॉर्म हुई, ठीक है, ये ब्रांच फॉर्म हुई। ओके, तो ये छोटे से पोर्शन का हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला हमारा शूट एपेक्स हो गया, ये क्या हो गया, शूट एपेक्स हो गया, ये क्या हो गया, लीफ प्राइमोर्डिया हो गया, क्या हो गया, लीफ प्राइमोर्डिया, ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई, ठीक है। लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिस पर क्या हो गई है, एक्सिलरी, एक्सिलरी बट हो गई, इट मे बी आइदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। जब ये वेजिटेटिव फेज में होगा तो ब्रांच फॉर्म किया जैसे कि ये बना रखा, और जब रिप्रोडक्टिव फेज में होगा तो ये फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये यहां से एक सिस्टम देख रहे हैं आप, डायग्राम देखेंगे गौर से, ठीक है। ये देखिएगा ये ब्रांच में सप्लाई जा रही है, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से बना देती हूँ, है ना। ये देखिएगा ये यू सप्लाई जा रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिएगा ये सप्लाई जा रही है, दिख रहा है आपको, और ये ब्रांच में सप्लाई जा रही है। तो ये जो सप्लाई जा रही है ना, ये क्या है, इसका वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर सूट एपेक्स में किस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा पोर्शन जो बिल्कुल रफ बनाया हुआ है मैंने, इस डायग्राम को गौर से देखेंगे, ठीक है। ये मैंने दोनों हाथ से बनाया, थोड़ा सा रफ बना है, ठीक है। तो लीफ प्राइमोर्डिया, सूट एपेक्स, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखिएगा एक्सिलरी बड फिर लिखा है डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर तो देखो ये मेरिस्टेमेटिक शूट एपेक्स है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रखा है। अब ये नीचे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो वही डर्मेटोसोम और पेरिनियम और प्लियोम बना रहा है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका बना रखा है, इसने वैस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। तो किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, इस डायग्राम में ये चीज शो कर रखी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक यहीं पे बता देती हूँ आपको इस डायग्राम से, यहाँ पे भी देखिएगा ये दिख रहा है आपको रूट एपिकल मेरिस्टम, ये डॉट 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 जो बना रखा, ये बाहर की तरफ डिफरेंशिएट होगी तो ये क्या करे, इनिशियल ऑफ रूट कैप, ठीक है। और अंदर की तरफ ये क्या बनाएगी, देखो आपको दिख रहा है इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहा है, ये देखिएगा ये रूट एपेक्स है
ये हमारा एनसीईआरटी का जो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू तक का पोर्शन खत्म हुआ। ओके, तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। ओके, बाय।